चिड़िया की कहानी। एक घना जंगल था, उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम लाडो चिड़िया था। वो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। चिड़िया रोज़ाना सुबह अपने घोंसले से निकलती और अपने 3 बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ अनाज जमा करके लाती। और चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले में ही रहते और अपनी माँ का इंतज़ार करते, क्योंकि चिड़िया ने अपने 3 बच्चों को कह रखा था कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर ना जाना। तो बच्चों, इसी तरह एक दिन चिड़िया बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकली तो बारिश शुरू हो गई। जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के 3 बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे, मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडू चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडू, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली, तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहां से उड़ गया कालू भैया। तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं एन मौके पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कौन सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे।
तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहां से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी माँ की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि माँ ही वो हस्ती है जो अपने बच्चों को सर्द गर्म और हर नागहानी आफत से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। और बच्चों, अल्लाह ताला ने माँ के अजीम होने की पहचान इस तरह कराई कि इस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रख दी। अब जिसका जी चाहे माँ की खिदमत करके वह जन्नत को हासिल कर सकता है।